बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि उमर भाई सिंध क्रिकेट ट्रायल्स पर वीडियो बना दे, जो पीसीबी ने हाल ही में ओपन ट्रायल्स अनाउंस किए। हालांकि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि उमर भाई हर सुबह की अलग अलग वीडियो बना दे ताकि हमें डिटेल के साथ समझ में आ जाए। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिंध के जो ट्रायल्स हैं उनकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंध के ओपन ट्रायल्स के बारे में, जो अंडर 13 अंडर 16 के हाल ही में अनाउंस किए हैं। यहां पर शिकारपुर के ट्रायल्स भी निकल चुके हैं, लाड़काना के भी निकल चुके हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो ट्रायल्स हैं वो भी निकल चुके हैं, और उसके बाद सांगड़ के जो ट्रायल्स हैं वो भी यहां पर गुजर चुके हैं। अब जो बाकी ट्रायल्स बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर जो हमारे पास ट्रायल्स बचे हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट के माड़ी कराची, जो है डिस्ट्रिक्ट के माड़ी कराची के ट्रायल्स जो हैं वो होंगे टीएमसी ग्राउंड के अंदर 9 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16 के होंगे, जबकि अंडर 19 के जो ट्रायल्स हैं 10 नवंबर को होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट के माड़ी कराची की मैंने बताई है। उसके बाद है सक्कर के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे पीसीबी ग्राउंड के अंदर 10 नवंबर को अंडर 16 और अंडर 13 के हैं, जबकि 11 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। उसके बाद है खैरपुर के जो ट्रायल्स हैं ये होंगे बेनजीर भुट्टो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर 10 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16 के, 11 नवंबर को अंडर 19 के। उसके बाद है हैदराबाद के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे नियाज स्टेडियम के अंदर 10 नवंबर को अंडर 13, अंडर 16 और 11 नवंबर को अंडर 19 के। उसके बाद है हमारे पास जामशोरो के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे सिटी क्रिकेट स्टेडियम कोटरी के अंदर 10 नवंबर को अंडर 13, अंडर 16 और 11 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। उसके बाद है बेनजीराबाद के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे बिलाल स्टेडियम के अंदर 12 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16, जबकि 13 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। उसके बाद है मीरपुर खास के जो ट्रायल्स हैं पीसीबी ग्राउंड यूनाइटेड ग्राउंड के अंदर होंगे 14 नवंबर को अंडर 13, अंडर 16 और 15 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के ट्रायल जो हैं वो होंगे पीआईए क्रिकेट एकेडमी के अंदर 15 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16 के, 16 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे लांडी जिमखाना में 15 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16 के, 16 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे लांडी जिमखाना के अंदर। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे अल नदी अल बुरहानी के अंदर, ये होंगे 15 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16 के, जबकि 16 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। उसके बाद हमारे पास बचता है बदीन के जो ट्रायल्स हैं वो होंगे क्रिकेट स्टेडियम टंडो बागो के अंदर, ये होंगे 15 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16, 16 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के जो ट्रायल्स हैं ये होंगे केसीसीए ग्राउंड के अंदर 16 नवंबर को अंडर 13 और अंडर 16 के, जबकि 17 नवंबर को अंडर 19 के ट्रायल्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ सिंध के जो ट्रायल्स हैं उनकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी सारी डेट्स और वेन्यूज जो हैं जहां जहां पर ट्रायल्स होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।